गर्दनों में जिन गर्दनों से हमने यखनी बनाई थी वो यखनी आपने निकाल ली और बाकी जो गर्दनें बच गई उन्हें ज़ाया ना करें। उनमें टमाटर 2 काट के डालें, हरी मिर्च डालें, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालें 1 टीस्पून बराबर और उनको भून के फ्राई कर लें, भून लें तो ये मज़े का सालन भी बन जाएगा। और अगर चाहें तो इसमें 1 कप यखनी शामिल करके ग्रेवी वाला सालन भी बन जाएगा। मज़ेदार भुनी हुई गर्दना का सालन अब तैयार है। आप इसे नान के साथ भी खा सकते हैं और उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। गर्दनों से जो यखनी बनती है ये बहुत मुफीद होती है। ये हार्ट पेशेंट वगैरह के लिए, कमज़ोरी के लिए, जिन लोगों का एज भी लो होता है उनको अगर रोज़ाना 1 कप यखनी दी जाए, छोटे बच्चों को दी जाए, जिन बच्चों को नज़ला रहता हो उनको अगर रोज़ाना 1 कप यखनी दी जाए, या जिन बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हुई हो या जिन बड़ों को भी चेस्ट इन्फेक्शन हुई हो, ठंड लगी हो, तो उस सूरत में रोज़ाना 1 कप यखनी पीने से काफ़ी बेहतर कंडीशन हो सकती है और इस तकलीफ़ से भी निजात मिल जाती है। यखनी रेशे को भी चलाती है, जो सीने में बलगम जमा हो जाती है उसको भी चला देती है और आहिस्ता आहिस्ता रेशा उतरने लग पड़ता है और बच्चे काफ़ी बेहतर सहूलत में हो जाते हैं। नाक की बंदिश में भी बहुत अच्छी होती है। रात को अगर 1 कप यखनी पिला के बच्चों को सुलाया जाए तो बच्चों को पुरसकून नींद आएगी। जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनका एज भी लो रहता है, वो रोज़ाना 1 कप यखनी पीना शुरू कर दें तो उनका एच बी भी नॉर्मल हो सकता है। यू आर वॉचिंग दिस रेसिपी फ्रॉम पनीवाड़ चैनल।